वेलकम टू द चैनल एंड दिस वीडियो। तो आज हम एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं। इट इज मोर रादर दैन अ वेरी हॉररफुल टॉपिक। लाइक हम ना कभी लाइक लाइट्स बंद हो जाती है, फिर जब अकेले होते हैं थोड़ा डर लगता है। सम पीपल डू नॉट बट सम डस। लाइक एवरी वन फील्स लाइक देयर इज अ घोस्ट आउट देयर या फिर कोई भूत है के आसपास। बट डू यू नो लाइक वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर एक्चुअली लोगों को बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है एंड दे हैव अ वेरी मच पैरानॉर्मल स्टोरीज बिहाइंड देम। लाइक उनकी स्टोरीज उनके इफेक्ट से बहुत डरावनी होती है, बहुत ही हॉररफुल होती है एंड दैट मेक्स देम वन ऑफ द मोस्ट गुड टूरिस्ट प्लेसेस, क्योंकि कौन विजिट नहीं करना चाहता। सो बट जाने के बाद बहुत डर लगता है। येस दैट इज अ ट्रू फैक्ट, बट जाने में मज़ा बड़ा आता है। सो चलिए चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं सम हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। दिस इज अ कैसल। सो कैसल्स जो होते हैं ना, दे आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल वे टू एक्सपीरियंस द लेटर वर्ल्ड। वैसे ही है ये एडिनबर्ग कैसल जो प्रेजेंट है। एक्चुअली इट इज अ हिस्टोरिक फोर्ट्रेस इन स्कॉटलैंड, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन स्कॉटलैंड, क्योंकि ये जो कनेक्टेड है विद मैनी टनल्स। देखिए पहले के ज़माने में लोग फाइट्स करते थे, दे यूज टू फाइट विद स्वॉर्ड्स एंड ऑल। सो लोगों ने कुछ टनल्स बनाए हैं इन केस अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि हम फंस गए, वी कैन गो थ्रू द टनल्स। वैसे ही कैसल बहुत सारे टनल्स के साथ कनेक्टेड है एंड जब हिस्टोरियंस उन टनल्स के अंदर गए, दे फाउंड मैनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन इट। इन दिस पिक्चर ना आपको लग रहा होगा ये है क्या, लाइक लिटरली ये क्या है दिखा रहे हो आप। तो पहली बात, आपको फर्स्ट पिक्चर में लग रहा होगा ये एक पैसेज है टू अ प्लेस, बट दिस इज नॉट अ प्लेस, बट दिस इज अ वेरी स्कैरी प्लेस। ये है कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस। यस देर लाइक कैटाकॉम्ब्स वो जगह होती है, एक लाइक ह्यूमन मेड जगह होती है, एक सबमराइन जगह होती है फॉर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ऑल। सो यहाँ पर ना 6 मिलियन पीपल को बरीड किया गया है। लाइक लिटरली द कैटाकॉम्ब ऑफ पेरिस आर अंडरग्राउंड ऑस्करीज इन पेरिस फ्रांस विच होल्ड द रिमेन्स ऑफ मोर देन 6 मिलियन पीपल। 6 मिलियन पीपल के रिमेनिंग्स, हड्डी चूरा, लाइक लिटरली पूरा हॉन्टिंग सा फीलिंग जो नहीं होता, एग्जैक्टली आपको इस कैटाकॉम्ब में फील होगा। हाउसेस हम ऐसी चीजें होती हैं जिसको कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, बट एक्चुअली दिस इज अ हाउस ऑस्ट्रेलिया। सो एक्चुअली दिस इज अ डबल स्टोरी बिल्डिंग, दो स्टोरी बिल्डिंग है। चलते यहाँ के ना जो पूरे रूम्स है, यहाँ पर बहुत हॉन्टिंग चीज होती है। लाइक वाइज ये बेडरूम आप देख रहे हो ना, ये इस घर के सबसे हॉन्टिंग जगह में से एक है एंड ये जो पिक्चर है यहाँ पर एक ऐसी चीज़ कैप्चर हुई है जो शायद आपको स्क्रीन में एंड दिस पिक्चर में दिख रही होगी। कमेंट में डाउन अगर आपको दिख रही है तो। यहाँ पर हर एक जगह में ना कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस सब लोगों ने देखा है। दैट्स व्हाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। This is Bhangad Fort, which is in Rajasthan, India. Rajasthan
जानना है, राजस्थान इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो एंड लोकेट टू इट। वहाँ पर बहुत सारी फोर्ट्स एंड बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। लाइकवाइज ये भांगड़ फोर्ट है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बट ये सुबह के वक्त ही सब ठीक लगता है, बट इसको ना रात के इस शाम के वक्त बंद कर दिया जाता है। लाइक साइलेंस एंड ऑल बना जाते हैं एंड दे टोल्ड मेजर टेल टू कम आउट इन द इवनिंग टाइम, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस किया गया है। दिस इज अगेन अ कैसल, एक्चुअली दिस इज अ रुइंस ऑफ अ कैसल। कैसल बहुत साल के बाद, बहुत साल पहले बनाए जाते थे एंड अभी आते आते वो डिस्ट्रक्ट हो गया है, टूट गया है। तो ये है बेरी पोमेरियो कैसल, विच इज इन डेवॉन, यूके, यूनाइटेड किंगडम। सो ये कैसल रुइंस है एंड इट हैज़ अ वेरी मीन्स एक अजीब सी स्टोरी है इसका। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, मीन्स लेजेंड्स जो वहाँ पर हिस्टोरियंस एंड ऑल जो जगह है, तो ये बोले जाते हैं ये जगह ना एक्चुअली में दो आत्माओं का घर है। यस, टू लेडीज, मीन दो लेडी जो है इस जगह पे रूल करती है। दे टोल्ड दिस इज बिलीव एंड द लेडीज आर ब्लू एंड वाइट लेडी। उन दोनों का ही एक इंडिविजुअल सा स्टोरी है, विच इज़ अगेन वेरी हॉररफुल एंड वेरी स्केरी। सो कैसा लगा ये वीडियो आपको? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यू नो, हम जब अकेले होते हैं या फिर कभी भी वी फील लोनली, वी ऑलवेज फील सम ऑफ द वाइब्स आउट। एक्चुअली ये हमारे एक टाइप ऑफ माइंड सेट भी है कि अकेले होने से डर लगता है, भूत एक वाइब आती है। यस और नो कमेंट मी डाउन। Thank you for watching this video and bye.